बिहार के दरभंगा से एक मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। ये मंदिर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजम नगर मोहल्ले में है। तोड़फोड़ करने वाले व्यक्ति की पहचान मोहम्मद चांद के तौर पर हुई है। स्थानीय लोगों के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। घटना बुधवार 11 जनवरी की है। मिली जानकारी के अनुसार आजम नगर मोहल्ले में स्थित ब्रह्म स्थान मंदिर में कोई दरवाजा नहीं है। मोहम्मद चांद मौका देखकर मंदिर में घुस गया, राजा शैलेश की मूर्ति तोड़ दी, देवी देवताओं की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया और तालाब में फेंक दिया। फिर उसने मंदिर में रखी पूजन सामग्री को आग के हवाले कर दिया। इस घटना से स्थानीय हिंदू आक्रोशित हो गए। घटना के बाद उन्होंने प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद थाना अध्यक्ष सत्य प्रकाश झा ने आक्रोशित लोगों को शांत कराया और दोषी को कड़ी सजा दिलाने की बात भी कही है। पुलिस ने मूर्तियों को तालाब से निकलवा कर मंदिर परिसर में रखवा दिया है। इसके अलावा पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि मंदिर के रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था, इसी वजह से मंदिर का गेट नहीं बन पाया। मंदिर में मूर्तियों को खंडित किए जाने की घटना से आहत स्थानीय लोगों ने मंदिर में गेट लगाने की मांग की है। रिपोर्ट के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने मिलकर मंदिर में एक अस्थायी गेट लगा दिया है। परिषद के जिला सह मंत्री मधुकर ने विवाद के निपटारे के लिए जिला प्रशासन से मंदिर और तालाब का सीमांकन करने की भी मांग की है। गोंद स्याह जोड़ों के दर्द का प्राकृतिक इलाज। गोंद मोरिंगा चमकती त्वचा और सुंदर घने बालों का राज।